बारिश स्टार्ट हुई है, हाँ 18 तारीख से जो है खाना नहीं बना है। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ऐसे ही कुछ हालात हैं जनपद के थाना पिलुआ क्षेत्र के ग्राम दरबपुर निवासी मुन्ना लाल पुत्र भगवंत सिंह के। गांव में नाली न होने के कारण बरसात में पूरे गांव का पानी इनके घर में जमा हो जाता है। इनके घर में 18 जुलाई से खाना नहीं बना है। SDM एटा से फरियाद की, उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन से भी मदद की गुहार लगाई, परंतु यह वीडियो अपलोड होने तक कोई मदद को नहीं आया। बात समझ से परे की तो यह है कि जब गांव के हालात ऐसे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा दी जाने वाली लाखों रुपए की धनराशि आखिर जाती कहाँ है। बहुत विचारणीय बिंदु है ये। 3 दिन से खाना नहीं बना इस घर में। जनपद में एक नहीं बल्कि न जाने कितने मुन्ना लाल होंगे जिनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंच नहीं पा रही है। आइए बात करते हैं पीड़ित मुन्ना लाल से। एटा से चंद्रवीर राजपूत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PPD खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। मुन्ना लाल, ग्राम दरबपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि सारे गांव का पानी जो है हमारे घर में आता है बरसात का। क्या पानी का निकास नहीं है? पानी का निकास नहीं है, नाली नहीं बनी अभी। अभी तक कोई नाली नहीं बनी हुई है? अभी तक नाली नहीं बनी है। अभी आपका दिख रहा है कि आपका चूल्हे तक में पानी भरा पड़ा है। साहब रोटी नहीं हुई है 3 दिन से, जब से बारिश स्टार्ट हुई है। हाँ 18 तारीख से जो है खाना नहीं बना है। आपका पूरा परिवार फिर किस तरह से काट रहा है? काट रहे हैं अपना समय पानी पी पी करके, इधर उधर से कर लेते हैं। और आपने किसी से शिकायत की? शिकायत की है SDM साहब से, और जो है हेल्पलाइन पर जो है मुख्यमंत्री के पास भी किया मैंने। तो उधर से कोई रिप्लाई है? वो सर दर्ज कर लिया है, कोई नहीं आया वहाँ से। कोई नहीं आया। क्या नाम है? मुन्ना लाल है।